लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने संविधान लहराया, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों को डराया, कहा कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण छीन लेगी, पिछड़ों का हक छीनकर अगड़ों को दे देगी। अखिलेश ने चुनाव में पीडीए बनाया, पीडीए मतलब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाला दल। उन्होंने नारा दिया कि पीडीए एनडीए को हराएगा। अखिलेश का ये नारा काम कर गया, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों ने भर भर कर अखिलेश को वोट दिए और नतीजा ये रहा कि सपा के इतिहास की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतकर अखिलेश ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। अखिलेश ने फैजाबाद की सीट भी जीती, जिसे अयोध्या बताकर वे हर जगह बीजेपी की मौज लेते रहते हैं। फैजाबाद के सांसद को वे हर जगह साथ लेकर घूमते हैं और ये बताने जताने की कोशिश करते हैं कि उनके एक पिछड़े नेता ने अयोध्या के अगड़ों को हरा दिया, लेकिन कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। राजनीति इंसान को वो भी करने पर मजबूर कर देती है जो वो करना भी न चाहे। जिसका विरोध करके अखिलेश ने यूपी के मतदाताओं को भड़काया, भरमाया, जिसका डर दिखाकर पिछड़ों के वोट लिए, और अखिलेश ने अब ऐसा फैसला ले लिया है कि जिन पिछड़ों ने अखिलेश को वोट दिया, चुनाव में समर्थन किया, वही अखिलेश को रेल रहे हैं, लताड़ रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश ने धोखा किया है। यही अखिलेश की असलियत है कि चुनाव के वक्त वे पिछड़ों की बात करते हैं और न्याय देने की बात आए तो मुकर जाते हैं। क्या किया है अखिलेश ने ऐसा, बताएंगे। उससे पहले अखिलेश के समर्थक की ये लंबी चौड़ी पोस्ट पढ़ लीजिए। लोकसभा चुनाव के समय संविधान खतरे में था, आरक्षण खतरे में था, सामाजिक न्याय खतरे में था। आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने साथ हुए छुआछूत को मीडिया से साझा कर रहे थे कि मंदिर गए, उसके बाद मंदिर को दूध से धोया गया, मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद शुद्धिकरण कराया गया, लोकसभा चुनाव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो और संविधान की प्रति दिखाकर वोट मांगा गया। बात जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की हो रही थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। एक तरफ एसपी और कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों और हिस्सेदारी की बात करते हैं और खुद अपनी पार्टी में ब्राह्मणों को शीर्ष पद प्रदान कर रहे हैं। चुनाव के समय सामाजिक न्याय और चुनाव के बाद सवर्ण न्याय, ये तो धोखा है। ये अकेले समर्थक का दर्द नहीं है, अब जरा इनका दर्द भी देख लीजिए। पीडीए बना बीपीडीए। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 84 पदों में 83 पदों की नियुक्ति माता प्रसाद पांडेय के इशारे पर हुई थी। इतना करने के बाद भी वे अपना बूथ हार गए थे। इनके बूथ से समाजवादी पार्टी न सिर्फ हारी थी बल्कि शर्मसार भी हुई थी। ऐसी स्थिति में इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना समाजवादी पार्टी के लिए कितना न्याय संगत होगा। लोकसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्य सचेतक सपा विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनके साथ सपा विधायक राकेश पांडे भी गए। अगर अगले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले माता प्रसाद पांडे सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, इसलिए वो गलतियों की पुनरावृत्ति भी बार बार करता है। सपा के पास कई नाम नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए थे। उन नामों में सबसे उपयुक्त नाम रामचल राजभर का था, लेकिन कुछ लोगों की नजर में बुद्धिमान सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, पिछड़े, दलित और आदिवासी नहीं, इसलिए उन्हें पद नहीं दिया जाएगा। इन लोगों ने जब अखिलेश की इस धोखेबाजी को खुलेआम पोस्ट किया तो अखिलेश के समर्थकों का दर्द भी फूट पड़ा। कमेंट बॉक्स में अखिलेश समर्थकों ने जमकर अखिलेश पर भड़ास निकाली। अमित गौतम नाम के यूजर ने लिखा कि पीडीए के मूल मंत्र में ये तो नहीं था, बेचारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। वही सागर गौतम नाम के यूजर ने लिखा कि पीडीए में पी का मतलब पांडे था, लोगों ने पिछड़ा समझ लिया। एक कहावत है, कुत्ते के दुम कभी सीधी नहीं होती। मानसिक गुलामी जाने वाली नहीं है, आप जैसे लोगों ने चुनाव के समय खूब कसीदे गड़े थे। वही रोहित कुमार पाल नाम के यूजर ने लिखा कि गैर यादव ओबीसी और एससी सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, चुनाव के समय ब्राह्मण से लड़ रहे थे, वोट दलित से चाहिए लेकिन पद नहीं देना। वही दुष्यंत सिंह नागर ने लिखा, फैसला घाती है, भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही रक्षा कुमारी ने लिखा कि जो अपने बाप का न हुआ वो दलितों और पिछड़ों का क्या होगा। डॉक्टर विवेक भाटी ने लिखा कि बहुत गलत फैसला है, तुरंत बदलना चाहिए, बहुजन अपना हक किसी और को नहीं देने देंगे, एक ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बनाना बहुजन वोट का अपमान है ये। आर के रानी ने लिखा कि विरासत में सत्ता संपत्ति मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं।
राज कपूर रंजन ने लिखा कि यही हकीकत है अखिलेश यादव का पीडीए। मयूर लिखते हैं कि अखिलेश छोटे ठाकुर है, SC ST का सबसे बड़ा विरोधी। वही विकास ठाकुर लिखते हैं कि अखिलेश यादव जानते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक जाएगा कहा, क्योंकि सत्ता में तो उच्च वर्ग ही स्थापित है, तो क्यों न जो उन्हें अपने ही पास रखा जाए और जो सत्ता दल के वोटर बने हैं और जो सत्ता दल के वोटर बन के खड़े हैं उनके वोटों में सेंध मारा जाए, इसलिए उन्होंने भाजपा के ब्राह्मण वोटों में सेंध मारा है। वही राकेश कुमार ने लिखा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी OBC SC मुस्लिम का वोट लिया लेकिन उनको केवल दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया। ऐसे तमाम लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाली। वही जितेंद्र कुमार मीना ने नियुक्ति पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा, लठ खाए दलित पिछड़ा, मौज काटेंगे पांडे जी। वही अविनाश रजक लिखते हैं कि अखिलेश जी हमेशा पार्टी के लिए घातक कदम उठाते हैं, जो नेता अपने समाज का 1% वोट नहीं ला सकते उनको महत्वपूर्ण पद देते हैं। लगभग 20 सालों से संभवतः सनातन पांडे ही एकमात्र ब्राह्मण समुदाय से जीते सांसद है, वो भी PDA के एकमुश्त वोट से। तो अब तक माजरा आपके समझ आ ही गया होगा। अखिलेश यादव ने UP विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया है। पहले ये पद अखिलेश के पास ही था लेकिन वे लोकसभा चले गए तो उनको पद और विधायक की दोनों से इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए ये पद खाली था। समर्थकों को उम्मीद थी कि एजेंडे के मुताबिक इस पद पर अखिलेश किसी पिछड़े, दलित या आदिवासी को बिठाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। अखिलेश ने एक अगड़े को इस पद पर बिठा दिया, इसलिए उनके समर्थक भड़क गए हैं और अखिलेश को दोगला और धोखेबाज बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।